दोस्तों हमारे फोन का ये जो बैटरी है ना सबसे ज्यादा हमारे फोन के डिस्प्ले में खत्म होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो फोन की सेटिंग में जाके आप भी देखोगे ना तो जो स्क्रीन है वो दोस्तों आपके फोन की बैटरी सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है। जैसा कि मेरे फोन में 61% सिर्फ मेरे फोन का जो डिस्प्ले है ये बैटरी कंज्यूम करता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे अगर आप अपने फोन के डिस्प्ले के अंदर ऑन कर देते हो तो आपके फोन की बैटरी सबसे कम आपके फोन का डिस्प्ले खर्च करेगा। उससे दोस्तों आपके फोन की बैटरी पूरा दिन चलेगी एक बार चार्ज करने पर। आज जो ट्रिक बताऊंगा, जो सेटिंग बताऊंगा दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके फोन के डिस्प्ले और बैटरी के लिए। तो इस सब वीडियो को जरूर एंड तक देखना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ सेटिंग के अंदर चल के कि कैसे हमारे फोन का डिस्प्ले सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर और बैटरी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए दोस्तों, ये रहा डिस्प्ले। डिस्प्ले दोस्तों हमारे फोन की बैटरी 64% से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो लाइव। आप जाके अपने फोन में भी देखोगे तो आधा से ज्यादा जो आपकी बैटरी है ना वो आपके फोन का जो डिस्प्ले है यही खत्म कर देता है। मतलब डिस्प्ले ही इतना ज्यादा बैटरी ले लेता है कि बाद में बचता ही नहीं आपको यूज करने के लिए। अब आपको सेटिंग क्या करना है, कैसे आप रोकोगे अपने फोन के डिस्प्ले को कि ज्यादा से ज्यादा बैटरी कंज्यूम ना करे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन के डिस्प्ले वाली सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहां पे आप देख लीजिए सभी के फोन में ये डिस्प्ले सेटिंग होती है, तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है। इसे ओपन करोगे तो सभी के फोन में दोस्तों यहां पे अलग-अलग टाइप की जो है सेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे फोन में यहां पे जो सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। सभी के फोन में लगभग सेम सेटिंग होती है, बस नाम वगैरह जो है अलग होते हैं। तो यहां पे आने के बाद ना सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाता है ये जो कलर स्कीम दिया गया है। आपको पता होगा डिस्प्ले में जो कलर होते हैं उनकी वजह से दोस्तों हमारे फोन की बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो सिंपली दोस्तों आपको ये कलर स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको तीन अलग-अलग मोड दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों ये विविड पे होगा जो सबसे ज्यादा हमारे फोन की बैटरी को कंज्यूम करती है। तो आपको इसे कर देना है स्टैंडर्ड के ऊपर। थोड़ा सा दोस्तों आपका ये जो विजुअल है ये सही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपके फोन की बैटरी बहुत ही ज्यादा सेव होगी। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको स्टैंडर्ड के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको इसके नीचे देखने को मिल जाता है रिफ्रेश रेट, आप यहां पे देख लीजिए ये दूसरी सेटिंग होने वाली है। तो सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे दोस्तों आपको दो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, हो सकता है आपके फोन में तीन हो, मतलब कि 120, 60 और 90, मतलब कि आपके फोन में तीन हो सकता है या फिर दो ही हो सकता है। तो आपको हमेशा दोस्तों जो सबसे कम है ना उसके ऊपर इसे सेट करके रखना है। तो यहां पे हम कर देते हैं इसे 60 के ऊपर, आप यहां पे देख लीजिए। एंड यहां पे नीचे लिखा हुआ आएगा कि अगर हम इस पे करेंगे तो हमारे फोन की बैटरी सबसे ज्यादा सेव होगी, आप यहां पे खुद ही देख सकते हैं। एंड इस पे करोगे तो दोस्तों ये आपके फोन की बैटरी को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो आपको इसे लो पे करके रखना है ताकि आपके फोन की बैटरी ज्यादा से ज्यादा सेव हो सके। तो यहां पे ये सेटिंग आपको करना है। उसके बाद आपको यहां से भी बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है ब्राइटनेस लेवल, अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पे दोस्तों आप लोग अगर अपने फोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑन करके रखे हो तो ये कभी भी ऑन मत करके रखना। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस से दोस्तों होता क्या है, कई बार ब्राइटनेस फुल हो जाता है, कई बार दोस्तों कम हो जाता है, मतलब कि ऐसे होता रहता है। तो आपके फोन का जो डिस्प्ले है ना वो बहुत ही ज्यादा आपके फोन की बैटरी को कंज्यूम कर लेता है। तो ये चीज ना हो इसके लिए दोस्तों आपको ये जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है ना इसे आपको बंद करके रखना है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कभी भी मत ऑन किया करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करने का रीजन होता है, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको यहां पे बंद कर देनी है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। एंड यहां पे एक और सेटिंग होती है जिसका नाम है ऑटो रोटेट स्क्रीन। ये जो हमारे फोन का ये डिस्प्ले ऐसे करो तो रोटेट हो जाता है ना, ये सेटिंग हमारे फोन में अगर ऑन है तो दोस्तों समझ लीजिए आपके फोन की बैटरी हमेशा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये सेटिंग कभी भी ऑन करके मत रखो। जब भी दोस्तों आपको अपनी रोटेट मतलब कि स्क्रीन को रोटेट करना हो ना तो उस टाइम ऑन करके उसके बाद इसे तुरंत बंद कर दिया करो। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि आपके फोन की स्क्रीन बार बार रोटेट नहीं होगी, ज्यादा रोटेट नहीं होगी तो आपके फोन की बैटरी जो है बहुत ज्यादा बोल सकते हो बचने वाली है। तो ये भी जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूं इसे जरूर से जरूर आपको अपने फोन के अंदर बंद कर देना है। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको तीन से चार सेटिंग बता दिए। अब जो लास्ट सेटिंग यानी कि पांचवें नंबर की सेटिंग रह जाती है वो एकदम ऊपर आपको
आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे दोस्तों आपको दो अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं, एक है लाइट मोड, दूसरा है दोस्तों डार्क मोड। अगर आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा से ज्यादा चलाना चाहते हो तो हमेशा दोस्तों आप अपने फोन को ना डार्क मोड पे क्लिक करके रखो। अगर आप डार्क मोड पे क्लिक करके रखोगे तो आपके फोन की जो बैटरी है ना वो 90% तक सेव होगी। सही सुना गाइस आपने, क्योंकि लाइट मोड में क्या हो रहा है आप यहां पे देख लीजिए, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा का पूरा जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि जल रहा है, तो ऐसे में बैटरी सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन अगर हम डार्क मोड में कर दें तो आप यहां पे देख लीजिए, ये जो एरिया है ना दोस्तों ये एकदम डार्क हो गया, एकदम ना के बराबर, मतलब कि यहां पे कोई लाइट ही नहीं ब्लिंक हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे फोन का जो बैटरी है वो बहुत ही कम कंज्यूम होगा। तो ये जो सेटिंग मैंने आपको लास्ट में बताई है ये जरूर से जरूर अपने फोन में कर लेना। अब यहां पे डिस्प्ले के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो सभी मैंने आपको बता दी है। अब डिपेंड करता है दोस्तों आप अपने फोन के डिस्प्ले के अंदर कौन कौन सी सेटिंग करते हो। अगर सभी सेटिंग करोगे तो मैं लिख के देता हूं दोस्तों आपके फोन की बैटरी ना इतना ज्यादा बचेगी कि आपके फोन का डिस्प्ले कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, पूरा दिन आप अपने फोन की बैटरी को चला पाओगे। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।